साठ के दशक के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार का नाम तो आपने सुना ही होगा। साल 1963 से 1966 के दौरान आई उनकी सभी फिल्में सुपरहिट हुई थी। एक वक्त था जब हर सिनेमा घर में राजेंद्र कुमार की ही फिल्में लगी होती थी और सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई। इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता था। लेकिन राजेंद्र कुमार की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला भी सुपरस्टार राजेश खन्ना को बेच दिया था। राजेंद्र के बंगले का नाम उस वक्त डिंपल था। उनके करीबी लोगों का कहना था कि जिस दिन राजेंद्र ने अपना बंगला बेचा था उस रात वो फूट फूट कर रोए थे।